अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुबा आसिम और आप देख रहे हैं DHA कराची प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DHA कराची फेज़ वन में अगर आपको बंगला किराए पे लेना हो तो कम से कम कितने किराए पे आप वहां पे एक बंगलो रेंट आउट कर सकते हैं। इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए हमने इन्वाइट किया DHA की एक्सपर्ट मिस हलीमा को, जो हमें बताएंगी कि अगर DHA कराची फेज़ वन में कम से कम किराए में बंगला हासिल करना हो तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कम से कम रेंट कितना होगा। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरुबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सलीमा, एज एन DHA कराची रियल स्टेट एक्सपर्ट, आपके पास बहुत से लोग आते होंगे जिन्हें डिफेंस कराची में जो है बैंगलो का रेंट आउट करवाना होता हो, तो आप उन्हें क्या मशवरा देती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कम से कम कितने रेंट में आपको मिल जाता है वहाँ पे बैंगलो? देखिए, अगर हम बैंगलो रेंटल की बात करते हैं, DHA फेज़ वन की अगर हम बात करते हैं, DHA फेज़ वन हमारा DHA का पुराना फेज़ आता है। और दूसरी बात यह है कि DHA फेज़ वन के अंदर जो हमारे कुछ रेजिडेंशियल बैंगलोज हैं और कुछ कमर्शियल आते हैं, इसमें हमारे पास कुछ कमर्शियल तौर के ऊपर भी हम कंपनीज़ को भी रेंट आउट कर रहे होते हैं, जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ होती हैं हमारी, तो वो अगर रेंटल पे लेना चाहती हैं। कमर्शियल का रेंटल जो होता है वो एक अलग होता है, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैमिली यूज़ के लिए बैंगलो होता है उसका रेंटल एक अलग होता है। अगर हम इस वक्त नॉर्मल बात करते हैं 500 गज़ के बैंगलो की, चूँकि 500 गज़ का जो बैंगलो आपको रेंट आउट होता है, कम से कम आपको अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 3 से 3.5 लाख रुपये रेजिडेंशियल होता है और 4 से 4.5 लाख रुपये आपका, इवन 5 तक भी जो है वो हमें 500 गज के बैंगलोज जो है वो रेंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। और ये 500 गज के जो बैंगलोज होते हैं ये 2 यूनिट्स होते हैं, बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन होती है और इसकी जो प्लानिंग होती है वो टोटल 6 रूम्स होते हैं। कुछ बैंगलोज के अंदर बेसमेंट अवेलेबल होता है, कुछ में हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन हैं अभी उसमें बेसमेंट्स हैं और जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैं उसमें बेसमेंट्स हमारे पास नहीं होता। तो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर, देन उसकी जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी जिस तरीके से उसी लेवल से हमें जो है वो बैंगलो का रेंटल मिलता है। कम से कम अगर बैंगलो, जाहिर सी बात है 1 यूनिट बैंगलो की रिक्वायरमेंट आती है, फर्निश बैंगलो की, फिर ओल्ड कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेंट्स को किस तरह मुतासर करती हैं? देखिए, ओल्ड कंस्ट्रक्शन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऐसी भी हैं DHA फेज़ वन के अंदर जो 10 से 15 साल पुराने बैंगलोज हैं वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, और 3 से 4 साल पुराने जो बैंगलोज हैं वो ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम देखते हैं जो ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन का बैंगलो है, कम से कम हमें मिल जाता है 4 लाख रुपये तक का रेंटल पे, और जो ब्रांड न्यू ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तकरीबन 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सलीमा में अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, अगर आप कराची के पोश इलाके DHA फेज़ वन में बंगला रेंट आउट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और एक अच्छे लाइफस्टाइल में एक अच्छी जगह पे अच्छे किराए पे बंगला लें। तब तक दें अपनी होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।